नमस्कार, टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम, आप सब लोगों का स्वागत है। अभी कल ही ऐसी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी से इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये और इधर दक्षिण में भारत में ये एक खबर सी बनती जा रही है कि गांधी परिवार अब यूपी से इलेक्शन लड़ने में कतराते हैं, क्योंकि वहां पे उनको वो जीत वैसी शायद प्रॉबिलिटी नहीं है जो उनको साउथ के अंदर है, और इसी वजह से राहुल गांधी का नाम भी अमेठी से डिक्लेयर नहीं हुआ। प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, नहीं लड़ रही हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आनंद, आज मैं आपको जल्दी से ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो जहां राहुल गांधी लड़ते हैं उनका मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ कि, और फिर उससे शायद थोड़ा सा क्लियर हो कि राहुल गांधी कहाँ से जीतने के लिए उनकी प्रॉबिलिटी हाई है। ये स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूँ, बाएं हाथ पर वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिटेल हैं और राइट हैंड साइड पर अमेठी के। तो अगर आप यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज देखें तो रूरल पॉपुलेशन वायनाड में 93% है और रूरल पॉपुलेशन अमेठी में 96% है, लगभग बराबर है। अर्बन वहाँ 7% है, यहाँ पे 4%। तो ये प्रिडोमिनेंटली दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लेकिन जब आप डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो वायनाड में 40% मुस्लिम्स हैं, 20% क्रिश्चियन हैं, 40% हिंदू हैं। तो एक मिक्स्ड सा ग्रुप है वायनाड में, जहाँ तक डेमोग्राफी है। लेकिन अमेठी में अगर आप देखिए तो हिंदूज लगभग 80% हैं और मुस्लिम 20%, जो कि शायद यूपी का एक एवरेज है। तो माना यह जाता है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ें तो उनकी प्रॉबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है रादर देन के अमेठी से, जहाँ पे प्रिडोमिनेंटली हिंदू पॉपुलेशन है। और अगर वहाँ पे वो कंसोलिडेट हो जाता है बीजेपी के साथ तो फिर से शायद वो ना हार जाए, और दोबारा हार गए अगर वो स्मृति ईरानी से तो पॉलिटिकली उनके लिए और भी एक बड़ा धक्का लग सकता है। वायनाड अगर आप देखें तो ये भी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है 2009 से। मोहम्मद शाहनवाज वहाँ के एमपी थे, उनकी डेथ हो गई थी 2018 में। उसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और यहाँ से इन्होंने बहुत बड़ी मार्जिन से ये चुनाव जीता था। 4 लाख से ज्यादा वोट से ये जीते थे, लगभग 40% वोट का मार्जिन का डिफरेंस था। और अमेठी में राहुल गांधी यहाँ पे हार गए थे, लेकिन अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी 67 से देखें केवल 2 बार भी है जब बीजेपी के साथ गई है, नहीं तो हर समय यहाँ पर भी कांग्रेस का ही प्रतिनिधि यहाँ से जीता है। हाँ, तो मेरा प्रश्न यही है कि आप ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों कांग्रेस की तरफ ज्यादातर वोट किया है, लेकिन फिर राहुल गांधी वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, अब मैं एक एक करके 2-3 प्रश्न हो गए हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, दूसरा प्रश्न हो गया है गांधी परिवार क्यों अवॉइड करती है अमेठी और रायबरेली, और तीसरा हो गया है कि वायनाड में प्राइमरली मुस्लिम और क्रिश्चियंस पॉपुलेशन की वजह से राहुल गांधी इज मोर कंफर्टेबल। लेट अस एड्रेस ऑल दीज थ्री। पहला यह है कि मेरी जो अभी तक सूचना है, भाई मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके अनुसार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो आज की जिस तरह की पत्रकारिता है, अगर राहुल गांधी चुनाव अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि गडकरी भी नागपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की 195 सीट में गडकरी जी का नंबर नहीं आ रहा है तो क्या हम ये माने कि वो नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अभी तक उत्तर प्रदेश की कोई भी लिस्ट नहीं निकली है। ये एक अलग प्रश्न है और एक अलग बात हो सकती है अजय, कि इट इज अ डिबेट कि कांग्रेस इतनी स्लो क्यों है कि उसने पूरे देश में अभी तक 45 या 85 सीटें वो की हैं, पर यूपी में अभी तक उसने कोई सीट अनाउंस नहीं की है। थोड़ा सा लोगों को एक चीज ये भी समझनी होगी, यूपी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यूपी में अभी तक जिसने अखिलेश यादव जी ने अपनी 30 सीटें डिक्लेयर की हैं, अखिलेश यादव जी ने, बीजेपी ने उसके बाद अपनी 51 सीट और प्लस उनके जो सहयोगी जयंत जी हैं, जयंत चौधरी जी, उन्होंने अपनी 2 सीट डिक्लेयर की हैं, 53। बीएसपी ने सरप्राइजिंगली अपनी 3 सीट डिक्लेयर की हैं, वो भी कर। अब अभी तक कांग्रेस को ये तो हो गया है कि आपकी ये कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिससे आप लड़ेंगे, 17 सीटें जो हैं, पर अभी तक कैंडिडेट नहीं तय हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सब लोग का ये है कि भाई आचार संहिता लग जाएगी, तो एक यूपी में अभी भी एक अटकल चल रही है कि बीएसपी का क्या रुख होगा। मैं अभी उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे, नहीं तो वो फिर कहीं और डायरेक्शन में। बीएसपी का क्या रुख होगा, क्योंकि अगर बीएसपी का रुख से बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन कहां से अपने उम्मीदवार देता है, और इसीलिए अखिलेश भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। ही इज नॉट रिलीजिंग हिज लिस्ट, जबकि होमवर्क सबसे ज्यादा अखिलेश ने करके अपना तैयारी कर ली है। उनको पता है कि कौन सी लिस्ट के कौन सी जगह से कौन सा उम्मीदवार होगा, लेकिन वो भी उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और शायद एक यही वजह है कि कांग्रेस भी नहीं कर रही है। कांग्रेस में एक कारण और आ जा रहा है। अब मैं दूसरी बात का करूं, गांधी परिवार की बात। देखिए, 2 चीजें हैं। गांधी परिवार की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जरा लार्जर गांधी, हम इंदिरा गांधी के परिवार की बात करें, हम राजीव गांधी के परिवार की बात नहीं करेंगे। तो इंदिरा गांधी के 2 बेटे, राजीव गांधी का परिवार, संजय गांधी का परिवार। राजीव गांधी के परिवार से उनकी पत्नी सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी लड़ते हैं अभी तक इलेक्शन, और संजय गांधी के परिवार से उनकी पत्नी मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी लड़ते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि सोनिया गांधी से पहले से मानेका गांधी चुनाव लड़ती थी, तो एज फार एज द लोकसभा की यात्रा है वो उनकी पुरानी है। शी इज सीनियर, वो 8 बार की सांसद हैं। अब कुछ चीजें ये हैं कि बीजेपी ने वरुण गांधी और मानेका गांधी का नाम भी अनाउंस नहीं किया उत्तर प्रदेश से। ना ये थोड़ा ये भी समझना होगा, ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। चर्चा जिस तरह की, जैसे आप वहां कह रहे हैं, चर्चा ये भी हो रही है, और जिसके लिए बीजेपी इज केपेबल, मतलब बीजेपी में इस तरह के जो काम करती हो, हम और आप जानते हैं, इस तरह के बहुत कॉमन चीजें हैं बीजेपी में। चर्चा ये है कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं तो वो मानेका गांधी जी से कहेंगे कि आपको यहां से लड़ना है, लीव इट, टेक इट और लीव इट। वो इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे। पहले ये अटकल बहुत लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी जी बीजेपी छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनके जिस तरह के ट्वीट आते थे, जिस तरह का स्टैंड लेते थे, उससे बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी असहज रहते थे। लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा लगता है कि उन्होंने टोटल सरेंडर करके पूरी तरह से साष्टांग हो गए हैं। और अब जितने कसीदे वो पढ़ते हैं मोदी जी के, मानिका जी और वो, तो वो ऐसा लगता है कि उनके टिकट का मामला अब सेटल हो गया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये याद रखिएगा कि लोग ये कहते हैं कि जैसे मैं जनरली, अब ये तो बहुत व्यक्तिगत सी बात हो जाती है, मेनका गांधी जी 84 में इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद अमेठी से अपने, उनके तो जेठ हुए, उनके राजीव गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी थी। Right, right. तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये अगर कहा जाएगा तो वो नहीं लड़ेंगे, पहली चीज। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, वो इट इज नॉट दैट इजी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं सिर्फ उसको प्योरली पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से देखूं तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि राहुल गांधी के पास इज नो चॉइस बट ही हैज टू फाइट फ्रॉम अमेठी। उनके पास चॉइस नहीं है। उसके 2-3 कारण है। एक कारण तो यह है कि इस बार, जैसा आपने भी कहा, और वो स्मृति ईरानी जी ने कोई बहुत गुडविल नहीं अर्जित की है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का एक लाउड माउथ, मतलब वो एक दूसरी तरह की उन्होंने अपनी इमेज बनाई है। उनका टोटल, उनके जो उनके साथी लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई उन्होंने वहां एक घर बनवा लिया, इसलिए वो, मतलब उनका टोटल अमेठी में उनको क्यों वोट दिया जाए क्योंकि उन्होंने एक घर बनवा लिया है, ये टोटल नैरेटिव तैयार किया जाता है। तो मैं अभी भी मान रहा हूं कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो अमेठी से नहीं लड़ते हैं तो ना केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन का भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा जो दबदबा है या जो उसकी आक्रामकता है इलेक्शन की, वो कम होगी। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। रायबरेली के बारे में जरूर पहली अभी तक। अच्छा, दूसरा ये कि प्रियंका गांधी को हम लोग इसमें इसलिए नहीं कि प्रियंका गांधी ने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इलेक्शन को मैनेज करने का काम करती थी, वो उनको आता है, वो उस कंस्टिट्यूएंसी को जानती हैं, पिछले सारे चुनाव उन्हीं ने मैनेज करती हैं आके। तो इसकी काफी संभावना ये मानी जा रही है कि रायबरेली से वो लड़ेंगी। उसका एक कारण ये भी है कि सोनिया गांधी ने जो अपना पत्र, जब वो राज्यसभा जा रही थी और एक तरह से विदाई था यहाँ से, तो उन्होंने एक पर्सनल सा पत्र लिखा था वहां की जनता के नाम, और जिसमें अंत में उन्होंने लिखा था कि अब मेरे परिवार का कोई रहेगा, आपका ये सहयोग और प्रेम मिलेगा। तो मैं अभी भी फाइनल वर्ड तब तक नहीं कहूंगा जब तक वहां से दूसरे कैंडिडेट का नाम ना डिक्लेयर हो। मेरे हिसाब से अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इलेक्शन लड़ना करीब करीब तय है। आजा मैं इसको आगे बढ़े, उससे पहले मैं एक वो जो बात हुई थी ना कि वायनाड में मुस्लिम क्रिश्चियन, आपने बताया था ना 40% मुस्लिम 20% क्रिश्चियन, वो भी मेरे हिसाब से वो कारण नहीं है। ये कारण जरूर है क्योंकि देखिए वहां पे अगर मुस्लिम या क्रिश्चियंस हैं तो वहां पे जो पार्टी कॉम्पीट करती हैं वो दोनों पार्टी ऐसी नहीं है कि जिनको एक को हिंदू वोट चाहिए और एक को वो वोट चाहिए। वहां पे लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का सामने सामने मुकाबला होता है पिछले इलेक्शन में, तो लेफ्ट फ्रंट के प्रति ऐसा नहीं है, वो बीजेपी नहीं है वहां पे, तो इसलिए इस वाली लॉजिक को मैं नहीं मानता हूं वहां पे कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस और हिंदू। वहां पे दोनों पार्टीज को एक किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हिंदू चले जा रहे हैं और इनके साथ ये आ रहे हैं, वहां दोनों पार्टी बराबर है। तो इसलिए वो वाला फैक्टर यहाँ पे यूपी में बैठ के जो भाजपा के नेता हैं उनको तो ये कहना ठीक है कि वो इसलिए भाग गए, लेकिन लेफ्ट का भी कोई भी लीडर इज एज क्वालिफाइड एंड एज गुड अ कैंडिडेट टू गेट द वोट्स ऑफ माइनॉरिटीज एज राहुल गांधी इज। तो वो फैक्टर मेरे हिसाब से नहीं है। वो अलग बात है कि केरल में चूंकि ये जाते हैं ज्यादा, साउथ के लोग ज्यादा समझते हैं चीजों को, वो क्या वोट दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा कारण है। तो जब आपकी एक एक सीट के पीछे मारामारी है और स्पेशली यूपी में प्रियंका गांधी और अगर ये दोनों लड़े और जीत गए तो 2 सीट तो कांग्रेस की पक्की है इस बार, जो इन्होंने 11 जो डिक्लेयर की है, तो इस हिसाब से इनको वहां से लड़ना भी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि लड़ना तो चाहिए, हार जीत वो देखी जाएगी बाद में। अब एक और जो आपने बात कही उसी को आगे, हार जीत से ज्यादा जरूरी है लड़ना, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो आप पहले ही एक तरह से एक मैसेज चला जाएगा कि यू हैव सरेंडर्ड। अच्छा, अब एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा, मैं थोड़ा सा डेटा आपको AIMIM का दिखा रहा हूँ। ये सडनली बात शुरू हो गई है ओवैसी जी, और यहाँ पे भी वो बोलना शुरू किया है कि हम पूरे देश में लड़ेंगे और हमको बी टीम बोलते हो, हम बी टीम नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और काफी एग्रेसिव मोड में वो आजकल बोल रहे हैं। तो मैं आपको यूपी स्पेसिफिक थोड़ा सा डेटा इनका मैं दिखाऊंगा। लोकसभा में AIMIM की ये हिस्ट्री है पिछले 10-12 साल की। अगर आप देखेंगे इन्होंने कोई बहुत ज्यादा सीट्स कभी जीती नहीं है, केवल 2 सीट इनकी 2019 में आई थी जो हैदराबाद और औरंगाबाद से जीते थे, अदरवाइज ये जीतते नहीं है। और पिछले इलेक्शन में 3 जगह से ये लड़े थे, एक शायद बिहार में कहीं से लड़े थे जो हार गए थे सीट। नेक्स्ट स्लाइड। ये यूपी में इनका वोट परसेंटेज है, ये आधा परसेंट भी वोट नहीं है इन लोगों का। यूपी में लास्ट टाइम इन्होंने 2022 में इलेक्शन लड़ा था, टोटल 4.5 लाख वोट इनके आए थे, 95 जगह से इन्होंने कंटेस्ट किया और एक भी सीट नहीं जीते थे। और उत्तराखंड मैंने इसलिए दिखाया है कि वहां भी ये लड़ते हैं और वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, 4 जगह लड़े थे, वहां पे भी ये बिल्कुल नहीं जीते थे। तो AIMIM से क्या खतरा ऐसा है जो सब लोग ऐसे ये कर रहे हैं, अब ये आके लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के वोट कम होंगे, ये इनका डेटा से तो ऐसा लगता नहीं है। आनंद, मैं 2-3 चीजें मैं जरा इसमें आपको बता दूं। एक तो ये जो 3री जगह से लड़े थे वो किशनगंज था, और किशनगंज से इनको मेरे हिसाब से बहुत खराब ही वोट मिले थे, नहीं ठीक वोट मिले थे, 2,95,000 वोट मिले थे वहाँ। 3रे नंबर पे रहे थे। अख्तर उल इमान साहब हैं, शायद उनके वहां के अध्यक्ष भी हैं बिहार के। दो सीटें, मैं पहले एक एक सिलसिलेवार बनूं, पिछले इलेक्शन में जो दो सीटें इनकी 1 से 2 हुई, 100% जो बढ़ी, ये याद रखिएगा कि वो महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है उसके साथ पैक्ट में लड़ रहे थे, और एक बड़ा कारण ये था कि उस पैक्ट की वजह से वो वोट ट्रांसफर हुए थे, और वो जो वंचित अघाड़ी है उसके अपने वोट थे, उसके पास कुछ 7% वोट, उसने 6.5-7% वोट उसने 2019 के लोकसभा में सीट कोई नहीं जीत पाए थे इसको छोड़ के, लेकिन उन्होंने उतने वोट महाराष्ट्र में प्राप्त किए थे। तो वो एक फैक्टर है, आज भी वो एक फैक्टर है। तो एक तो बात हो गई जो दूसरी सीट इनको कैसे मिली। किशनगंज में भी जाके लड़े थे, लेकिन किशनगंज में 3 नंबर पे रहे थे। वो किशनगंज मूल रूप से वो सब मुस्लिम कैंडिडेट थे। वो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीते थे, जेडीयू सैयद मोहम्मद अशरफ थे, तीसरे नंबर पे अख्तर उल ईमान साहब थे, और बाकी भी अलामुद्दीन अंसारी आम आदमी पार्टी से थे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जावेद अख्तर थे। इस जगह ये सारे लोग जाके इलेक्शन लड़े थे। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में अभी तक इनकी दाल नहीं गली है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दाल नहीं गली है कि पिछली बार भी जब ये 95 सीट लड़ने आए थे, तो जहां तक मेरी जानकारी है शायद एक सीट को, मैं एक सीट की गुंजाइश इसलिए रख रहा हूँ, वो मुझे ठीक से याद नहीं है। 94 सीट के लिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि इनकी जमानत जब्त हुई थी। एक सीट पे आई एम स्लाइटली हेजिटेंट टू पास हो, एक सीट का मैं वो कर रहा हूँ। अब 2-3 चीजें हैं, इन्होंने जो अनाउंस किया उसके हिसाब से इन्होंने अभी अनाउंस किया कि मैं करीब 20 सीट पे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। अगर ये बिल्कुल साफ साफ है कि अगर ये लड़ रहे हैं, और आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का जो मूल वोट है वो उसमें माइनॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा है, तो आप उस वोट को अगर डैमेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए लोग आपको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज होती है जो वोट से ज्यादा सेंटिमेंट की बात होती है, क्योंकि अगर जब कोई आके मन से चढ़ के कि इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत पक्षपात हो रहा है, उनका कोई लीडर नहीं है, उनके साथ सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना बंधुआ मजदूर बनाई हैं, इस तरह की प्रोवोकेटिव बातें मुसलमानों के लिए करता है, तो बिना कहे वो एक हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने का काम करता है। वो कहता कुछ नहीं, वो कहेगा कि मैंने तो एक बार भी हिंदू के लिए नहीं कहा, मैं तो अपने लोगों से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आप उनको ललकार रहे हैं कि अब की बार नहीं और बिल्कुल नहीं और मुसलमानों का। तो भाई आप अगर एक मुस्लिम पार्टी होके अपने को वहां कर रहे हैं, तो बीजेपी तो नोन कहती है कि मैं हिंदुओं की पार्टी, हिंदू राष्ट्र की पार्टी है। तो ये मुकाबला हिंदू वर्सेस मुस्लिम पार्टी में अगर होता है तो बाकी पार्टी गौड़ हो जाती है। दे आर अगर AIMIM को इतना ज्यादा वो है तो क्यों नहीं जाके केरल में लड़ते हैं, दिखाए ना, जाके तमिलनाडु में लड़े जहाँ पे पॉपुलेशन भी है। केरल में तो अच्छी पॉपुलेशन है, जहां से वायनाड में 40% है, जाके लड़े। मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इस बार का इलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही साफ है कि इसमें कौन काम सामने आमने रहेगा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन इधर रहेगा कौन उधर रहेगा, और ये इलेक्शन में डिसाइड होगा कि AIMIM को मेरे हिसाब से इस बार जो माइनॉरिटी है वो उतने वोट भी नहीं देगा जो पिछले इलेक्शंस में दिए हैं। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, जैसे हम और आप हैं वैसे ही जो एक माइनॉरिटी इस देश की, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन ACA NRC आ गया, ये सब इश्यूज आ गए हैं, उसमें ये इलेक्शन कहीं ना कहीं आप में एक जो कि CA NRC का नाम आ गया। आपको अगर याद हो जो पिछली बार जब इस पे आंदोलन हुआ था तो आपने कहीं फोरफ्रंट पे देखा था कि AIMIM के लोग इसको बिल्कुल हल्ला बोल और वो कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। इट वाज मतलब अपने आप लोगों ने इसको किया था और ये लोग कहीं नहीं थे। तो मुझे जो लगता है कि ले देखे AIMIM की दाल इस बार गलने वाली नहीं है। आएंगे, ठीक है, कुछ लोग आते हैं, बात करेंगे। हालांकि अभी अगर पता नहीं आपने वो शो देखा या नहीं, इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के शो पे आए थे आपकी अदालत में, और इनका ये कहना था कि इस देश में मुसलमानों की कोई पूछ नहीं है, कोई पार्टी नहीं करती है। आपको ब्राह्मण नेता मंजूर है, आपको जाट नेता मंजूर है, आपको कोई भी कास्ट हो, लेकिन जब मुस्लिम आने जाते हैं आगे आना चाहते हैं, उस समय हम लोग चिल्लाते हैं कि देखो ये आ गए और ये बी टीम बन गए। उनका ये इस एंगल से बोलते हैं कि भाई मैं पार्टी हूँ, मैं भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे को बी टीम बोला जाता है। तो ये उनका लॉजिक था कि वो क्यों यूपी में जा रहे। हाँ, वो आ जाए उसका तो कोई वो नहीं, क्योंकि अगर देखिए अब आप अगर क्रिमिनल लॉ भी पढ़िए तो उसका पहला ये होता है कि आपने अगर मुझे कुछ किया, मेरे आपके साथ हुआ, तो उसका फायदा क्यों हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। तो आपके किसी एक्शन से अगर कोई बेनिफिशियरी बन रहा है तो अब इतना मासूम तो कोई भी नहीं रह गया है कि बिकॉज ऑफ योर एक्शन इफ बीजेपी इज गेटिंग एडवांटेज, तो ये तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको भी देना होगा। चलिए लास्ट में बस एक क्विकली, हालांकि मायावती वाला इश्यू बहुत लंबा है, लेकिन मायावती जी किस तरफ जा रही हैं और वो यूपी में उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो चुप बैठी हुई है, अगर वो इंडिया गठबंधन से बाहर रहती हैं तो क्या होगा और इंडिया के साथ आती हैं तो क्या होगा, लास्ट प्रश्न है ये आनंद। मेरे ख्याल में अभी बहुत जल्दी है इस प्रश्न का उत्तर देने में, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो अटल जी से ज्यादा कोई अच्छा दे नहीं सकता था। वो मायावती जी उनसे मिल के आती हैं और 10 मिनट बाद वोट इधर दे देती हैं, तो इसको मतलब मायावती जी का हृदय परिवर्तन कितने मिनट पहले होगा ये तो सिर्फ मायावती जी जान सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो एक होता है ना कि आप किसी का बुखार नापते हैं तो कहते हैं भाई मुंह बहुत लाल है, नब्ज देख लो तेज चल रही है, आप यही सब देख के बुखार नापते हैं, नाड़ी देखते हैं, ये सब। तो अभी तक के देखने से ये लग रहा है कि उनको कोई परहेज नहीं है इंडिया से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जितनी इतनी बात होती है तब तक मायावती जी इतना गर्म होके इतना बुरा भला कह चुकी होती कि ये चोर, वो चोर, ये डकैत, वो डकैत। उन्होंने एक सब ट्वीट किया है कि ये फेक न्यूज है। हाँ। इस तरह का रिस्ट्रेंट कमेंट मैंने जनरली मायावती जी से नहीं देखा है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी की दोनों पार्टियां इस समय अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही हैं, होल्ड पे रखी हुई हैं। होल्ड पे है। वो कहीं ना कहीं उसके तार एक दूसरे से हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। जो कहा जा रहा है और उसका भी कारण बता देना, कहा यह जा रहा है कि मायावती जी की प्री कंडीशन ये है कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करिए तब मैं ज्वाइन करूंगी। जी बिल्कुल। अब उसके 2 पक्ष हैं। उसका एक पक्ष ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बीएसपी मान लीजिए आप 5 सीट जीत के आती है और ममता बनर्जी जी अगर वहां से 35 सीट जीत के आती है तो आप प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपको मैंने कह दिया था इसलिए आप दीजिए, तो ये बात बेमानी होगी। कांग्रेस का और बाकी जो अखिलेश यादव जी या जो इंडिया गठबंधन की बाटी की पार्टीज है वो ये कह रहे हैं भाई हम लोग आपको बनाएंगे। एबीपी के किसी उस शोज में जो सपा के प्रवक्ता हैं वो ये भी कह चुके हैं भाई हम तो प्राइम मिनिस्टर बहन जी को प्राइम मिनिस्टर, बुआ जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। लेकिन अगर आप आज की तारीख में कह दे रहे हैं तो मायावती जी तो फिर चाहे वो अकेले भी जीत के आएंगे तो कहेंगे कि आपने कहा था तो मुझे बनाइए। फिर मेरे ख्याल में It will not be fair for other people, नंबर 1। नंबर 2, ये पोस्ट पोल ही ये डिसाइड होना भी ठीक रहना चाहिए, क्योंकि किस पार्टी की कितनी ताकत है, किसका क्या है। अगर बहुत क्लोजली हेल्ड इलेक्शन हो रहा है, अच्छा मायावती जी इज नॉट ऑफ द टाइप कि वो जा जाके घूम घूम के गठबंधन कर लें। भाई हैविंग सेड दैट, नीतीश कुमार को आप कुछ भी कह लीजिए, वो कम से कम घूम के 4 लोगों से बात तो कर लेते हैं। मायावती जी तो किसी से बात ही नहीं करती हैं, नहीं इनसे कोई बात नहीं कर सकता है, इनकी पार्टी का आदमी नहीं बात कर सकता है, ये कम्युनिकेटिव है नहीं। तो ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ये इनको कह दिया गया तो ये सब जगह घूमेंगे और कहेंगे कि चल शी विल नॉट सॉलिसिट दैट कि भाई मुझे सपोर्ट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंडीशन है जरा ज्यादा वो है, डिमांडिंग है मायावती जी की तरफ से। अब इफ गुड सेंस प्रिवेल, इलेक्शन से पहले उनको इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो खड़ी रहेंगी तो उनके एमपीज भी ज्यादा जीतेंगे, और वो भी नहीं तो आप किसी से बात कर लीजिए। सबका ये मानना है कि मायावती जी अगर अकेले इलेक्शन लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में तो एक भी एमपी जिताने की स्थिति में नहीं। किसका नुकसान करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी पार्टी का एक भी एमपी नहीं जीतेगा। अजय, यूपी इज ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, पूरी निगाहें वहीं पे ही रहेंगी आनंद। थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया। थैंक यू अजय, बाय।